صلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. كي جهنم من تا أبد अबद अबदुल आबाद हमेशा हमेशा के लिए ता अबद अदा में मुबतला रहना काफिरों के लिए मखसूस है, कुफार और मुशरिकीन हमेशा रहेंगे और गुनाहकार मोमिनीन जिनकी रूहें तौहीद से मुनव्वर हैं, नूर तौहीद से मुनव्वर हैं, ईमान है उनमें मोमिनीन मगर गुनाहकार है, तो उनके लिए बख्शिश और आग से नजात का रास्ता बंद नहीं है। कुरान मजीद फरमाता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिह, खुदावंद नहीं बख्शता उसे कि किसी को उसका शरीक करार दिया जाए, इसे नहीं बख्शता खुदावंद, इन मुशरिक को खुदावंद नहीं बख्शता, जात में शरीक सिफात में शरीक करार दें किसी को, खुदावंद उस गुनाह को नहीं बख्शता, शिर्क को नहीं बख्शता। वयग़फिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा, और इसके अलावा जितने गुनाह हैं जिसे चाहे खुदावंद बख्श देता है, बाकी गुनाहों की बख्शिश मौजूद है, इम्कान मौजूद है, जो है शरायत मौजूद हैं, बाकी गुनाहों की बख्शिश के लिए राह मौजूद है। ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما, जिसने शिर्क किया उसने बहुत बड़ा गुनाह किया। तो मज़कूरा आयत में जो वाज़ह तौर पर शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों की बख्शिश के मुमकिन होने की खबर देती है, यानी जो कुफ्र शिर्क है ना, कुफ्र ने मुकम्मल इनकार, शिर्क यानी खुदा में किसी को शरीक करा, ये भी उसी कुफर के ही जुमरे में है कुफर और शिर्क। इसके अलावा बाकी गुना ईमान के साथ गुना, इनके इनकी बख्शिश के इम्कान मौजूद है, ये इसी आयत में ये मफहूम समझ में आ जाता है। यकीनन ऐसे अफराद के आमाल पर नाज़िर है जो तौबा किए बगैर मर जाते हैं, जो लोग तौबा किए बगैर मर जाते हैं जो हैं उनके भी शायद इम्कान मौजूद हैं बख्शिश की, क्योंकि तौबा की सूरत में तमाम गुनाह हत्ता शिर्क माफ हो जाते हैं, तौबा अगर करें तो शिर्क भी माफ हो जाएंगे, क्योंकि शिर्क छोड़ देगा फिर तौबा करेगा, छोड़ देगा फिर आगे आज हो जाएगा मोमिन, फिर गुनाह वो जो पहले शिर्क किया खुदावन बख्श देगा ईमान के बाद। अब जब दुनिया में जब तौबा किया तौबे की सूरत में सारे गुनाह बख्श हत्ता शिर्क माफ हो जाते हैं, और चूंकि आयत में मुश्रिक और गैर मुश्रिक के दरमियान फर्क बयान हुआ, इसलिए ये आयत उन अफराद की बख्शिश पर दलालत करती है जो तौबा किए बगैर मरते हैं, कयामत के दिन जिसे चाहेगा खुदावंद बख्श देगा। जाहिर है कि अगर ऐसा इंसान मुश्रिक हो तो उसको नहीं बख्शा जाएगा, मरते वक्त मुश्रिक था काफिर था, अब कयामत के दिन बख्शिश की जो है बख्शिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है, लेकिन अगर वो मुश्रिक ना हो तो उसके लिए मगफिरत की उम्मीद मौजूद है, क़यामत के दिन मुमकिन है कि किसी न किसी सबब ये शख्स बख्शा जाए, किसी को भी आप अपनी तरफ से बराह रास्त जहन्नमी नहीं बना सकते, हत्ता खुदकुशी करने वालों को भी आप बराह रास्त जहन्नमी नहीं कह सकते, नहीं मालूम उसके और खुदा के माबेन किस कदर रवाबित है, नहीं मालूम दिलों का हाल खुदा जानता है। मसलन किसी ने खुदकुशी की, खुदकुशी इस्लाम में हराम है, खुदकुशी हराम है, तो एक शख्स जो है वो आपे से बाहर हो जाता है, मसलन जिंदगी से तंग आ जाता है, खुदकुशी करता है, तो हम उसे भी जहन्नमी नहीं कह सकते फौरन फौरन, क्योंकि उसकी भी बख्शिश के इम्कान मौजूद हैं। लिहाजा कतई तौर पर नहीं बल्कि लिमन यशा की शर्त के साथ है,
ऐसा नहीं कि कतअन यकीनन बहरहाल सब बख्शे जाएंगे, ऐसा नहीं है। लिमन यशा, जिसे खुदा चाहे। अब खुदावंद देखेगा कि किसकी बख्शिश के इम्कानात मौजूद हैं, और खुदा खुद बेहतर जानता है कि किसको बख्शना किसे नहीं बख्शना। यानी ऐसे ही अफराद की मगफरत होगी कि खुदा आलम का इरादा, उसकी मशीयत, जिनके शामिल हाल हो, जिन्हें खुदावंद बख्शना चाहे वो बख्शे जाएंगे। लिमन यशा की शर्त जो मजकूर आयत में जिक्र हुई है, वो यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अर्ज किया कि आयत सिर्फ दुनिया वालों के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि दुनिया में तो शिरक भी कुछ तौबे के बाद बख्शा जाता है। तो ये है, ये आयत बता रहे कि आखिरत में, आखिरत में चूंकि काफिर और मुशरिक बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, काफिर और मुशरिक, बाकी मोमिनीन के लिए जिन्हें खुदा चाहे वो मोमिनीन बख्शे जाएंगे, उनकी बख्शिश होगी। तो वहां फरमाया कि वयग़फिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा, कुफ्र शिर्क के अलावा जिसे चाहे खुदावंद बख्श देगा। तो ये जो लिमन यशा की शर्त है, जो है खुदावंद आलम की वसी रहमत को बयान करती है। अब जिस के लिए रहमत इलाही उनकी शामिल हाल हो सकती है, यानी जिसके लिए मुमकिन हो कि खुदा की रहमत शामिल हो, कोई रास्ता रखा हो उसने कि रहमत वहां पे दाखिल हो जाए। उमर जान, फुटबॉल में पानी का एक कतरा भी नहीं जाएगा, जाएगा फुटबॉल के अंदर नहीं जाता। आप उसे टैंकी में डाल दें तब भी पानी नहीं जाएगा, समंदर में डाल दें तब भी नहीं जाएगा पानी, गुंजाइश ही नहीं है। रहमत इलाही जिस कदर चाहे वसी हो, जिस इंसान ने बख्शिश के लिए कोई रास्ता रखा होगा कि रहमत दाखिल हो जाए, रहमत इलाही शामिल हो जाए, बख्शा जाएगा। तो बात हो फुटबॉल की तरह है, कुछ भी नहीं, फुल क्लोज बंद, कहीं से भी रहमत महमद की तोबा व बख्शिश मगफरत की गुंजाइश नहीं रहती, तो उनके लिए मसला है। वरना बाकी इंशाल्लाह बख्शे जाएंगे, मसलन मोहब्बत अहले बैत की वजह से बहुत सारे बख्शे जाएंगे, गिरिया वजारी वजादारी की वजह से बहुत सारे बख्शे जाएंगे, बख्शिश की वजह से बहुत सारे लोग बख्शे जाएंगे कि आप बख्शिंदा हैं, सखावत हैं, मसलन इस तरह से मोमिनीन बख्शे जाएंगे। तो लिहाजा दर हकीकत गुनाहकारों को खौफ और रजा के दरमियान करार देकर उनको खतरे से बचने के लिए तौबा की तरगीब दी है। क़यामत के दिन न मालूम बख्शा जाएगा या नहीं, बीच में रखा हुआ है, हो सकता है बख्शा जाए, हो सकता है ना बख्शा जाए, लिहाजा अब उन्हें शशपंज में रखा हुआ है मोमिनीन गुनाहकारों को। लिहाजा उन्हें ये तरगीब दिलाना चाहता है खुदावंद कि देखें दुनिया में तौबा करें, कोई रास्ता खोल के जाएं। यही कि आप एक एक गुनाह के पीछे इस्तग़फार पढ़ के चले जाते हो, ये सारे इस्तग़फार जमा होकर खुदावंद क़यामत के दिन कहते बख्श दे उसे, इतनी 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 बार इसने इस्तग़फार किया, इतनी बार इसने तौबा किया। लिहाजा तरगीब देती तौबा की, देखें तौबा करें, वहां मुमकिन है ना बख्शा जाए फिर। लिहाजा मजकूरा वादा इंसान को दो खतरों यानी यास और तजर्री से बचा कर सिरात मुस्तकीम पर आगे बढ़ने की हिम्मत बख्शता है। दो चीजों से इंसान को रोकना चाहता है ये खुदा मुताल, एक यास नाउमीदी, नाउमीदी जायज नहीं है, खुदावन चाहता है कि मोमिन नाउमीद ना हो जाए। लिहाजा क़यामत के दिन बख्शिश की खबर, बख्शिश की उम्मीद दिला रहा। दूसरा तजर्री से बचाना चाहता है खुदावन कि देखें गुनाहों की जुरत ना करें, मुमकिन है क़यामत के दिन ना बख्शा जाए। तो दो चीज़ों से बचाया हमें, कोई भी तजर्री ना करें गुनाह के सिलसिले में, बेबंदोबार ना हो जाए, लापरवाह ना हो जाए, जुरअत करके गुनाह न करें, ये बहुत बहुत बड़ा गुनाह, यही जुरअत पैदा करना खुदा मुताल के। बाज़ लोग बाज़ बच्चे नाफरमान होते हैं, वालिदैन वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, लेकिन सामने खड़े नहीं होते, जवाब नहीं देते, काम नहीं करते। बाज़ लोग भी जुरअत पैदा कर सामने आ जाते, खड़े हो जाते हैं ना, फिर ये फिर तजर्री है, ये बहुत बड़ा, ये वहाँ वालिदैन के दिल टूट जाते हैं बहुत, या फिर उन्हें निकाल देते हैं, या फिर जिंदगी भर वो नाराज़ रहते हैं, ये तजर्री है। बाज़ लोग
कहना नहीं मानते ठीक है, लेकिन सामने खड़े नहीं होते, बस बड़बड़ाते हैं फिर निकल जाते हैं, काम नहीं करते, खुलासा बहाने करते हैं, नाफरमानी करता है, बाद में नाफरमानी करते हैं, काम नहीं करते, लेकिन वालिदैन के सामने खड़े होकर तू तू मैं उनके साथ तुर्की बतुर्की जवाब नहीं देते, धमकियां नहीं देते, जिन्हें जुरात के साथ नाफरमानी के नहीं करता तुम क्या करोगे इस तरह नहीं कहते, कहते हैं मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं करना है, खुलासा सुस्ती हो रही है, किसी ने किसी तरह नाफरमानी, तो नाफरमानी दो किस्में, एक शाह वो कहते करता है तुम क्या करोगे, ये तजर्री है, यानी इस तरह ना करें वालिदैन के सामने ना, इस खुदा के गुनाह हो जाते हैं, खुदाया बख्श दे, लेकिन जुरात न करें, खुदा देखो मैं गुनाह करने जा रहा हूँ, देखता हूँ तू क्या करता है, ये जो जुरात करके जो है गुनाह करना चाहता है ये बहुत बुरी बात है। तो खुदावन चाहता है कि कयामत के दिन जिसे खुदा चाहेगा बख्शा जाएगा, तो लिहाजा आपको या सो ना उम्मीदी से खुदावन बचाना चाहते कि ना उम्मीद ना हो जाए, बख्शिश हो सकती है, और तजरी भी ना करें, मुमकिन है कि बख्शिश भी ना हो, क्योंकि खुदा की मशीयत से मजबूत है, तो लिहाजा दो चीज़ों से खुदावन बचाना चाहता है। हजरत आगा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वला युखल्लदुल्लाहु फिन्नार इल्ला अहलल कुफ्र वल जुहूद वहल ضلالت والشرك, खुदावंद कुफार मुशरिकिन के अलावा किसी को हमेशा के लिए आतिश जहन्नम में नहीं रखेगा। कितनी बड़ी खुशखबरी है ना, खुदावंद कुफार मुशरिकिन के अलावा अहले कुफर अहले जुहूद, जुहूद मुनकिर इन काफिर जहाद इनकार, अहले ضلال व अहले शिर्क इनके अलावा खुदावंद किसी को भी जहन्नम में नहीं रखेगा। तो हम सब इंशाल्लाह एक दिन निकल के आएंगे, हाँ बालों को सर करते हुए, कहाँ से आ रहे हैं, अभी अभी फारिग हुए, तो बाद लोग शायद चंद दिनों के लिए, बाद लोग सालों के लिए जहन्नम की सैर करके मजे ले लेके उसके बाद जाएंगे जी हाँ। तो कोशिश करें जहन्नम में ना जाएं, अपने सर से लेकर पैर तक ऐसे काम करें कि आगा मीरुल मोमिनीन ने दुआए कुमेल में कुछ चीजें फरमाया है, या इलाही व सैयदी व रब्बी अतराक मुअद्दबी बिनारिक, क्या तू अपनी जहन्नम से मुझे अजाब देगा, उस आग से अपनी आग का अजाब देगा, बाद तौहीदिक इसके बाद की तेरी तौहीद का मैंने एतराफ किया है, यानी आगा मीरुल मोमिनीन फरमा, तो लिहाजा तौहीद को रखें, एक ये चीज़ हो गई कि तौहीद के बाद ये कि इंसान जिसके दिल में जहन में तौहीद है खुदावंद मुताल की यकताई, तो शायद वो बख्शा जाए, वबाद मन तवा अलैहि कल्बी मिन मारिफतिक, और इसके साथ मेरा दिल भी तेरी मारिफत से जब लबरेज हो फिर भी अजाब देगा, तो लिहाजा दिलों को मारिफत खुदावंद मुताल से लबरेज रखें किसी हद तक, ताकि यही चीज़ें इंसान को उस दिन जो है जहन्नम से दूर कर देगी। वलही जब ही लिसानी मिन ज़िक्रिक, और मेरी जबान तेरे जिक्र में, तेरी जो है जिक्र में लगी हुई है मारिफत तौहीद इकरार तौहीद, और जबान पे जिक्र इलाही, वअतकदहु ज़मीरी मिन हुब्बिक, और मेरा ज़मीर तेरी मोहब्बत से जुड़ा हुआ है, एतकाद है जहन में, एतकाद यानी बंधा हुआ है, गिरे बंधा हुआ है, दिल में खुदा की मोहब्बत होनी चाहिए, जबान पे जिक्र खुदा हो, وبعد صدق اعترافي, और इसके बाद कि मैंने एतराफ किया है, और दुआई तुझे पुकारा है, खाज़ान फुरुतनी के साथ, लरुबूबियतिक तेरी रुबूबियत के सामने, तेरी रुबूबियत के सामने मैं झुका हूँ, फुरुतनी किया है और दुआ किया है,
तो ये इन चीजों को नोट करिए, ये चीजें हमें जहन्नम से बचाएगी। हैहात अंत अकरम मिन अन तुज़य्या मन रब्बैता व तुब्इद मन अदनैता, यानी वाकई खुदावंद मुताल की रहमत को जोश में लाने वाली बातें हैं। हैहात, हैहात यानी ऐसा सोचना भी दूर की बात है, हैहात यानी ऐसा नहीं हो सकता। अंत अकरम, तू बहुत बुजुर्गवार है। मिन अन तुज़य्या मन रब्बैता, जिसे तूने पाला उसी को जाया करे। हम अगर मुर्गी पालते हैं जाया नहीं कर सकते, ठीक है ना। जब हमारी पालतू मुर्गी भी अगर मर जाए हमें तकलीफ होती है, दुख होता है। खुदावन जिस बंदे को एक उम्र पाले, फिर उसे खुदावन ऐसे ही तो जाया नहीं होने देगा। अब तुब मन अदने था, जिसे उसने खुद नजदीक किया उसे फिर दूर कर दे। खुद जिसने उसे बुलाया अपने पास इबादत के जरिए मारिफत के नजदीक कर दिया, अब खुद ही उसे कहते हैं जाओ दफा हो जाओ। इतनी आसानी से नहीं करेगा वो। अब तुब मन अदनई था, अब तुशर्रद मन आवई था, और जिसे पनाह दी उसे छोड़ दे। अब तुसल्लिम इलल बलाय मन कफई था, और जिसकी उसने खुद सरपरस्ती की है उसे फिर जो है मुसीबतों में गिरफ्तार करें। तो ये आप देखें कि मारिफत परवरदिगार और जबान पे जिक्र परवरदिगार और जहन पे याद परवरदिगार और दिल में महब्बत परवरदिगार, ये चीज़ें अगर हैं तो इंशाल्लाह अजीज बाकी गुनाहों के होते हुए भी, कि अगर अर्ज किया कि जो है मुमकिन है कि हमारे गुनाह, आपके गुनाह, मेरे गुनाह, इसी दुनिया में जो छोटी छोटी मुसीबतें आप पे नाजिल होती हैं, बीमारियाँ लायक हो जाती हैं, इख्तसारी खराबियां हमारे घरों में पेश आ सकती हैं, मसलन बाज हमारे मेरे जैसे कितने लोग जो कमबूदी के शिकार हैं मसलन, या फिर मसलन यतीमी आ जाती है और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, या दुख दर्द, इनमें हमारे गुनाह बख्शे जाएं। जिस्मानी बीमारियों की वजह से, सर्दी गर्मी की वजह से बख्शे जाएं। फिर जो कुछ आप अच्छे आमाल अंजाम देते हैं उनके मत में भी आपके बहुत सारे गुनाह खुदावंद बख्श देगा। फिर उसके बाद जो है खुदावंद मुताल मौत की सख्ती में कुछ सख्तियां करके गुनाहों को यहीं से ही फारे करके आगे बंदे को भेज देगा आलम आखिरत की तरफ, जान कहने की हालत में। फिर आगे कब्र और बरज़ख है, फिर कब्र में सरसरी तौर पे उसे कुछ तकलीफें होती हैं, गुनाह बख्शे जाते हैं। फिर आलम बरज़ख में जब तक क़यामत है, आलम बरज़ख में है थोड़ी बहुत सजाएं, तकलीफें हैं, उसके बाद शायद आखिरत तक उसके गुनाह। फिर आलम आखिरत में अगर फिर भी गुनाह रहे, आलम आखिरत में जो है खुदावंद बहुत सारे गुनाह बख्श देता है, और फिर शफात अहले बैत आ जाए और वो बख्शा जाए। फिर अगर शफात भी काम न आए फिर आगे जहन्नम में इंशाल्लाह इतने गुनाह नहीं होंगे कि हम जहन्नम तक जाएं। मोमिन की शान ये है कि खुदावान चाहता है यही इसी दुनिया में तकलीफ दे और यहीं से उसको पाक साफ करके ले जाए, तो आलम आखिरत में भी बख्शने के चांसेस मौजूद। फिर भी अगर गुनाह रहे बख्शने के चांसेस वहां भी मौजूद है। वयाफिरुद्दून ज़ालिका लिमन यशा, फिर कुफ्र शिर्क के अलावा, काफिर मुशरिक के अलावा क़यामत के दिन, क़यामत के दिन इनके वक़्त, क़यामत के दिन बाकियों को भी जिसे चाहेगा खुदावंद बख्श देगा। तो रहमत हक बहाना मी खाहद, वहाँ कोई बहाना हाथ आ जाएगा। एक दिन मसलन इसने गिरिया किया था, एक दिन किसी बच्चे पे रहम किया था, खुदावंद किसी न किसी बहाने से